अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्णिया इकाई के सदस्यों ने पूर्णिया कॉलेज के छात्र परिषद के चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और कॉलेज गेट के समीप धरना पर डटे हुए रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुनः चुनाव कराने की मांग भी की। बताया जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 सदस्य चुनाव जीते हैं, किंतु इसके बावजूद ये लोग गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए पुनः चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव की गिनती में काफ़ी अनियमितता बरती गई है हमारे महाविद्यालय द्वारा। जैसा कि हम एक ABVP की तरफ से उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और मैं यहाँ पे काउंटिंग के समय था, काउंटिंग ऐसी व्यवस्था में कराई जा रही थी, ना ही मैं वहाँ उपस्थित था और ना ही हमारे कोई काउंटिंग प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे। एक बंद कमरे में महाविद्यालय द्वारा काउंटिंग कराया गया, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। त्यासी होते हुए मुझे 2 बजे रात यहाँ रिजल्ट की जानकारी हुई और पता नहीं मीडिया को कहाँ से पता होता है और बजाबते कितने वोट से विजयी हुए हैं, कितने वोट अगले को आया है, वो सारा रिकॉर्ड होता है और आज के प्रिंट मीडिया में वो आया हुआ क्लिप है। तो हम लोग महाविद्यालय द्वारा इस किए गए धांधली के विरोध में आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको कितना सीट यहाँ पे मिला है? जब अभी हमारे यहाँ से 3 काउंसिल मेंबर जीते हुए हैं और रेस्ट सब कौन पार्टी जीते हैं? और जन अधिकार पार्टी के 4 जीते हुए हैं सेंट्रल पैनल में, 1 RJD के जीते हुए हैं और 1 JDU के और 5 काउंसिल मेंबर। जन अधिकार पार्टी का भी मिली भगत है क्या इसमें? मुझे तो लगता है ऐसा मिली भगत से ही हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही चुनाव, जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई भी राजनीतिक संगठन की एंट्री कॉलेज में नहीं हो सकती है मतदान के समय। हमारे द्वारा विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रशासन को ये सूचना भी दी गई है, बजाबते हमारे पास वो लेटर है जो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके बावजूद भी कल हमारे पास रिकॉर्डिंग है, काफ़ी जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो डायरेक्ट एंट्री करते थे कॉलेज में और हम मांग कर रहे हैं इस चुनाव को रद्द कराया जाए, क्योंकि बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है चुनाव में, बिल्कुल एक बंद कमरे में चुनाव करवाया गया है और किसी के दबाव में ये रिजल्ट दिया गया।